हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं योर ओपिनियन फॉर जॉब। इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो यारा फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी जा रही है उसके बारे में। इसमें जो वैकेंसी जा रही है वो डिप्लोमा और बीटेक के लिए आ रही है, जिसमें मैकेनिकल्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले ही एलिजिबल्स हैं। इसी बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। यारा फर्टिलाइजर जो कि बहुत एक बड़ी MNC कंपनी है, ये कोई गवर्नमेंट नहीं है, MNC कंपनी है, जिसके करीबन ऑल ओवर इंडिया में 170 प्लस प्लांटेड हैं। तो आप सोच सकते हैं, और इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी है फर्टिलाइजर्स की, तो इसमें अगर काम करने का मौका मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। इसमें कोई फी नहीं है। तो डिटेल्स में बात करेंगे, इसको कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, जो भी इसके इन्फॉर्मेशन जानकारी होगी हम लोग सब लोग इसको देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ऐसे ही अपडेट्स के लिए। वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए हम लोग इसके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं और सब कुछ देखेंगे, कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए देख लेते हैं। ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप देख सकते हैं, यारा फर्टिलाइजर इंडिया लिमिटेड। इसमें अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था की गई है जो कि 1 साल की है। तो आप समझ सकते हैं, अप्रेंटिसशिप करने के बाद भी अच्छे मौके मिल जाते हैं, और इतने बड़े जगह से अगर आप अप्रेंटिस करते हैं तो 1 साल का अप्रेंटिस होती है, सभी को पता है। हम सीट देख लेते हैं। इसमें जो सीट है ग्रेजुएट के लिए और डिप्लोमा के लिए, तो मैकेनिकल्स में ग्रेजुएट के लिए 2 है और डिप्लोमा के लिए 6 है। इलेक्ट्रिकल में ग्रेजुएट के लिए 1 और डिप्लोमा के लिए 4 है। केमिकल्स में 1 है और डिप्लोमा के लिए 16 है। इंस्ट्रूमेंटेशन में 1 है ग्रेजुएट के लिए और 2 है डिप्लोमा के लिए। स्टाइपेंड आपको मिल जा रही है वही 9,000 ग्रेजुएट के लिए और डिप्लोमा के लिए 8,000, और प्लस जो भी एक्स्ट्रा मिलता है वो मिल जाएगा आपको। बात कर ले, इसको 30/6 तक अप्लाई करना है, इसको अप्लाई अदर ही है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, बोलो बाद लास्ट में अप्लाई की बात करेंगे, क्योंकि अप्लाई जरूरी है बहुत जानना, क्योंकि अप्लाई इसमें ऑनलाइन नहीं करना है, कुछ अलग ही माध्यम बताया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको AICTE अप्रूव्ड या AICTE अप्रूव्ड ही गवर्नमेंट चाहिए, इसमें साफ साफ लिखा है। अगर आप UGC से हैं तो एलिजिबल्स नहीं है, आपको कैंसिल कर दिया जाएगा आपका अप्लीकेशन। टेक्नोलॉजी या वर्क स्ट्रीम रिक्वायरमेंट AICTE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अदर मोड से अगर आप UGC से हैं तो इसके लिए एलिजिबल्स नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात कर ले, रिटेन टेस्ट होगा शॉर्ट लिस्टेड के बाद, उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। फिर हम बात कर लेते हैं, इसमें जो एलिजिबल्स हैं वो 2018-19 और 19-20 के ही एलिजिबल्स हैं। आप अगर 17 के हैं तो एलिजिबल्स नहीं हैं। वही डिप्लोमा में बताया गया 60% मार्क्स आपको होना चाहिए, 10th में भी, 12th में भी, बीटेक सारे मतलब 60% मार्क्स आपके होने जरूरी हैं। मिनिमम एज है और मैक्सिमम तो कुछ हो नहीं, क्योंकि 18-19 ही मांगा गया है मिनिमम। आपको MHRD पर रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसका एनरोलमेंट नंबर जरूरी है। तो बात कर लेते हैं अप्लाई की, तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, देख सकते हैं, और इस फॉर्म को फुलफिल कर इस फॉर्म में इसमें एनरोलमेंट नंबर एकदम नेसेसरी डालना ही, आप अगर नहीं है तो MHRD पर रजिस्टर्ड हो जाइए, और यहां से आप MHRD पर, NITS पर, और यहां आपको उसका एनरोलमेंट नंबर डालिए, उसके बाद आपको अच्छा से फिलअप कीजिए, और फिलअप करने के बाद इसको आपको बस ऑनलाइन नहीं, इसको आपको बस ईमेल पर सेंड करना है, amityadav@yara.com। तो ये इसका सेलेक्ट अप्लाई प्रोसेस है। अगर आप एलिजिबल्स होते हैं तो इसको अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत बड़े अगर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मौका मिलता है तो बहुत अच्छी बातें होती है, क्योंकि अभी के टाइम में कोई जॉब्स भी नहीं है, तो आप कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल्स हैं तो। चलिए ऐसे अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।